माता की, भारत माता की, भारत माता की। मतलब वैभव गहलोत की तरह गलतफहमी नहीं है, जिस तरह वैभव गहलोत को आपके ऊपर थोप दिया गया है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसको थोपा गया है। अशोक गहलोत बोलते हैं कि मैंने जालौर सिरोही को सौंप दिया है, पर जालौर और सिरोही की जो जनता है वो कहना चाहती है कि अशोक गहलोत जी ने उसे सौंपा नहीं है, उसे थोप दिया है। साथियों, कारण कुछ भी रहा हो, परंतु प्रश्न सबके मन में है कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि जोधपुर से जालौर सिरोही की यात्रा तय करनी पड़ रही है। कोई कह सकता है ये परिवारवाद है, पर परिवारवाद होता तो पिताजी इतने लंबे टाइम से जोधपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, जोधपुर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इसको जोधपुर से चुनाव लड़ाना चाहिए था। पिछली बार चुनाव जोधपुर में लड़ाया, पिता के नाम से भी जोधपुर में चुनाव हार गए। पिता जो कुछ कर सकते थे तो इनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया। जनता के आशीर्वाद से क्या बन सकते थे जनप्रतिनिधि, वो तो बन नहीं पाए, पर पिता के आशीर्वाद से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो वहां पे पूरा घपला किया, आज ये स्थिति आ गई कि आरसीए के लिए भी एडहॉक कमेटी को बनाना पड़ गया, वहां पे इतना भ्रष्टाचार हुआ आप सभी ने देखा। इस बार जो आईपीएल के मैच हो रहे हैं वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अस्तित्व में नहीं है, एडहॉक कमेटी बनी हुई है, तो सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। जोधपुर के अंदर मुझे कल ही पता चला, जोधपुर के अंदर एक बरखुतल्ला स्टेडियम इन्होंने बनाया और उसमें क्रिकेट मैच कराया। उस स्टेडियम की आज ये स्थिति है कि वहां पर बिजली नहीं है और वहां पर कचरा दान बना के रख दिया है। यह काम जोधपुर के अंदर वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहने के नाते और मुख्यमंत्री का पुत्र होने के नाते किया। साथियों, आप लोगों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। जब जालौर और सिरोही की लोकसभा सीट की चर्चा आती है तो ये एक ऐसी सीट बन गई है जहां पर अशोक गहलोत साहब ने राजनीति से जो सारा धन कमाया है अपने बेटे को सदन में भेजने के लिए यहां पर लगाने का काम कर रहे हैं। कोई कहता है 200 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़, कोई कहता है 400 करोड़, पर यह बात तो साफ है कि आज आप सबकी जो लड़ाई है वो धन बल के साथ है, और उसको हम सब युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से लड़ना है। हम सबको ये संदेश जालौर और सिरोही की जनता में देना है कि हम लोगों को अशोक गहलोत का वैभव नहीं, जालौर सिरोही का वैभव लुम्बाराम चौधरी चाहिए। साथियों, आपकी जो सीट है इसकी तरफ पूरा राजस्थान देख रहा है। अगर कहीं पर भी चर्चा होती है तो ये चर्चा होती है जालौर सिरोही में क्या होने वाला है, और वो चर्चा क्यों होती है। आज भी अगर ईमानदारी से अगर आप आंकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मुझको लगता है, और जनता भी कहती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी से लाख गुना बड़ा है। पार्टी के दो बार जिला अध्यक्ष रहे, संगठन को मजबूत करने का काम किया। वैभव गहलोत ने क्या करने का काम किया? अपने घर को मजबूत करने का काम किया। संगठन के अंदर जनप्रतिनिधि के नाते लंबा अनुभव आदरणीय लुम्बाराम जी का है। वैभव गहलोत को जोधपुर की जनता ने नकार दिया, जालौर और सिरोही की जनता इस बार वापस से यहां से नकारने वाली है। देखिए इस चुनाव का कैसा संयोग है कि इस बार हार जीत का मामला ही नहीं है, इस बार मामला है जीत छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस ही क्या कहने लगे, नहीं 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 साहब 400 पार तो नहीं होने देंगे, 399 पे अटकाएंगे। राजस्थान के अंदर हमने कहा हमारी 25 की 25 सीटें आएंगी, तो कांग्रेस ही क्या कहते हैं, बोले नहीं साहब 25 सीटें तो नहीं आएंगी, आप 24 पे अटकोगे। तो इस बार मामला हार जीत का नहीं है, ये एक ऐसा चुनाव है। अपन सब तो नए कार्यकर्ता है, मेरे को लगता है
माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय सतीश जी, इन्होंने लंबे समय से राजनीति देखी है, शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा होगा जब पहले से पता हो